हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हर एक वीडियो की एक डेस्टिनी होती है। कुछ वीडियोस चाह कर भी नहीं बन पाते हैं, एंड ऑल दो आई हैड टू थ्री थिंग्स इन माई माइंड, बट वीडियोस नहीं ला पाया उनको आप तक, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग दीज डेज। आगे आने वाला एक वीक भी बिजी रहेगा, बट आपके पास आने की कोशिश करता रहूँगा। वीडियो ना ला पाना आपसे ज़्यादा मुझे भी दुख देता है। एनीवेज, एक और वीकेंड पे लेके आया हूँ एक और सेट ऑफ मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ जो कि इस हफ्ते रिलीज़ हुई और जो आने वाली है इस कमिंग वीकेंड पे। दोस्तों, ये वीडियो वाकई बनाने में मज़ा आया, बिकॉज काफ़ी कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि आपको नहीं पता होगा पर आ रहा है इस वीकेंड, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। पहले जो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, आइए पहले उस कंटेंट के बारे में आपको बताता हूँ। कन्नड़ा मूवी मैन ऑफ द मैच आई है अमेजोन प्राइम पे, एंड इट्स द लास्ट ऑफ द थ्री फिल्म्स विच वर एन ओड टू द लेट एक्टर पुनीत राजकुमार। वन कट टू कट एंड फैमिली पैक के बाद ये थर्ड मूवी है। मूवी एक फिल्म ऑडिशन के इर्द गिर्द घूमती है, एंड 90% ऑफ द कास्ट आर न्यू कमर्स। रिलीजिंग विद कश्मीर फाइल्स प्रभास की राधे श्याम बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस, और काफी लोग इसका हिंदी डब्ड वर्जन का वेट कर रहे थे। तो मूवी को तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन में अमेजन प्राइम पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था, पर हिंदी रिलीज अब नेटफ्लिक्स पे आ गया है, तो प्रभास और पूजा हेगड़े के फैंस अब वहां इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फहाद फासिल की 2020 की मलयालम मूवी ट्रांस का अब हिंदी डब्ड वर्जन आ गया है अमेजोन प्राइम पे। फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एंड डील्स विद द थीम्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड ड्रग्स। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक 6 एपिसोड की कॉमेडी सीरीज आ रही है, माइक मायर्स। जी हाँ, पुराने जमाने के ऑस्टिन पाज लेके आ रहे हैं पेंटावरेट। बने हैं एक कैनेडियन जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि 1347 के प्लेग के बाद कैसे 5 लोग दुनिया के काफी इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और ऐसी वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये सब तो हुआ कि क्या कुछ ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इस बीते हफ्ते में। अब बात करता हूँ कि क्या कुछ रिलीज होने वाला है 6 मई को। तो पहले OTT की बात करूंगा, नेटफ्लिक्स से शुरुआत करता हूँ। तो थार मूवी आ रही है। थार में फादर सन यानी कि अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर दिखेंगे। अनिल कपूर एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और राजस्थान के हिंटरलैंड्स में हुए एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिल्म में फातिमा साना शेख और सतीश कौशिक भी होंगे। फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राज सिंह चौधरी। इन्होंने हमें पहले गुलाल और नो स्मोकिंग भी दी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। थार आई एम होपिंग इस वीकेंड की डार्क हॉर्स हो सकती है। दोस्तों, रिव्यू ज़रूर जल्द लेके आऊँगा। नेटफ्लिक्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए कोरियन ड्रामा लवर्स के लिए कहूँगा कि साउंड ऑफ मैजिक आ रही है। द वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन द वेब टून अनारा सुमानारा। कहानी है एक फैंटेसी म्यूजिकल ड्रामा की, कि कैसे एक मैजिशियन सडनली आ जाता है एक गर्ल के सपने से बाहर। हिंदी, कोरियन, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है द साउंड ऑफ मैजिक। अलॉन्ग फॉर द राइड एक मूवी अब रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे। सोनी लिव पे सई तमनकर और ललित प्रभाकर स्टारर एक मराठी वेब सीरीज पेट पुराण आ रही है। द सीरीज इज अबाउट अ मैरिड कपल जो कि अभी रिसेंटली मैरिड है और बच्चा नहीं चाहते हैं, एंड पेट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आई एम अ बिग फैन ऑफ ललित प्रभाकर पोस्ट शांति क्रांति एंड जोम्बी वली, एंड आई डेफिनेटली बी वॉचिंग दिस 7-part सीरीज ऑन सोनी लिव। डिजनी हॉटस्टार पे आऊँ तो कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट है। होम शांति नाम से एक वेब सीरीज आ रही है। सुप्रिया पाठक, मनोज पावा हैं। कहानी सेट है देहरादून में स्थित जोशी परिवार की, कि कैसे एक मिडिल एज फैमिली अपने घर का सपना पूरा करती है। हॉटस्टार पे ही एक मूवी आ रही है, स्टोरीज ऑन द नेक्स्ट पेज। 3 कहानियां हैं। इट्स अ माइक्रो एंथोलॉजी सीरीज विद अभिषेक बैनर्जी, रेणुका शाणे एंड राजेश्वरी सचदेव इन द लीड रोल्स। Z5 पे आऊं तो झुंड अब आ रही है स्टारिंग बिग बी एज अ कोच। एक इंटरेस्टिंग मूवी थी बार मराठी फिल्म मेकर नागराज मंजुले। सानी कई धाम एक तमिल मूवी स्टारिंग कीर्ति सुरेश एंड के सेल्वराघवन आ रही है अमेजोन प्राइम पे, और ये क्राइम ड्रामा है, 1980s के इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, अब थिएट्रिकल रिलीजेस की बात करता हूँ तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बड़ी रिलीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है 6 मई को, एंड एडवांस बुकिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मूवी ऑलरेडी करीबन 30 करोड़ कमा चुकी है। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद ये 2nd part होगा। इससे पहले हमें स्ट्रेंज स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखे, एंड डिज्नी हॉटस्टार की वॉट इफ सीरीज में भी उनके ऊपर आधारित कुछ एपिसोड्स थे।
फैंस के बीच काफ़ी रूमर्स और थ्योरीज चल रही हैं कि ये मूवी में क्या कुछ होगा। सुबह 6 बजे से ही शोज़ है कुछ कुछ जगह, तो रिलीज़ होने दीजिए, हम भी ज़रूर इसका एक रिव्यू लेके आएंगे आप सबके लिए। दोस्तों एक दिव्येंदु की मूवी भी रिलीज़ हो रही है मेरे देश की धरती इस वीकेंड, स्क्रीन्स काफ़ी कम मिली हैं, लेट्स सी कितने दिन टिकेगी ये डॉक्टर के आगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या कुछ ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है एंड क्या कुछ रिलीज़ हो रहा है 6 मई वाले वीकेंड पे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपना वीकेंड प्लान कर लिया होगा। प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलता रहूँगा आपको यहीं इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक एट द मूवीज़। थैंक यू।